फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था वो आज फाइनली पूरा हो गया है, यानी आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। और आपको मैं बता दूं, बहुत बड़ी खुशखबरी कि पीजीटी के बाकी विषयों पर रिज़ल्ट जारी हो चुके हैं। आप लोगों को देखना है जाकर, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को यूपीएससी एसएसबी की वेबसाइट पे विज़िट करना है। फिलहाल सर्विस अनअवेलेबल बता रहा है, लेकिन थोड़ी देर में आप लोग करेंगे तो ज़रूर डाउनलोड हो जाएगा। जब आप लोग विज़िट करेंगे तो कुछ इस तरह से शो कर रहा है। देखिए, इधर एग्जामिनेशन ये जो है पीजीटी का शो कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स का, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, म्यूजिकल, वोकल, इन सभी जो है सब्जेक्ट पे बाकी विषयों पे आ गए हैं। इसकी कट ऑफ मैं जल्दी बताने वाली हूँ। और आंसर की जो है वो आ गई है सिविक्स की, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, म्यूजिक, वोकल्स। सो फ्रेंड्स, जिस चीज़ का आप लोगों का इंतज़ार था फाइनली जारी हो गई है। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों के जो है 24 घंटे के अंदर जारी हो जाएगी, देखिए वही चीज़ हुई। आप लोग यकीन नहीं मानते और आप लोग सोचते हैं कि हर वीडियो ऐसे ही होगी, लेकिन वीडियो बिल्कुल सही होती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोग मेरे चैनल से जुड़े जाइए ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर परेशान थे। और रही बात आप कट ऑफ के ऊपर, तो कट ऑफ पे मैं वीडियो बनाऊंगी, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि साक्षात्कार से रिलेटेड मैं कॉन्टीन्यूसली अपनी वीडियो पर हर वीडियो पर बताती जा रही हूँ। इस चीज़ को भी अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए और आप लोग सेलेक्ट भी हो जाएंगे। इस वजह से मैं आपसे फिर से कहना चाह रही हूँ, इंटरव्यू पर खास ध्यान दीजिए आप, क्योंकि आप लोगों को सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है। सब्जेक्ट पे कमांड अच्छे से बनाइए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जनरली आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन पे खास कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों का इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी रेडी रहिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के अप टू डेट होने चाहिए। जो वैलिडिटी है उस वैलिडिटी पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट 10-15 साल पुराना डॉक्यूमेंट हो जो आप लोग दिखा दें और उस टाइम के लिए वैलिड ना हो, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है अच्छे से कॉन्फिडेंट रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इतना ज़्यादा घबरा गए इंटरव्यू को लेकर कि वो सुबह जाके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जो सेंटर के बाहर जाके उन स्टूडेंट से पूछ रहे हैं जिनका साक्षात्कार हो चुका है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि वो इस चीज़ को रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप लोग को परेशान होने की फिर कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों का डेफिनेटली अच्छा होगा। और यदि आप परेशान हो जाएंगे तो शायद आप लोगों के साथ दिक्कत हो सकती है, लेकिन परेशान निराश बिल्कुल ना होइए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी कट ऑफ पे आएगी। थैंक यू सो मच।